गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साई बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है अगला आर्द्रा नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में से यह छठा नक्षत्र है आर्द्रा। इसका मतलब है नमी, मॉइस्चर। पंचमहाभूतों में जो आप मतलब पानी है वो है आर्द्रा। सृष्टि के कण कण में पानी का जो अंश है वो है आर्द्रा। ऐसे कहा जाता है कि भगवान शिव जब तांडव कर रहे थे तो उनके माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और उस बूंद से ब्रह्मांड में ये एक तारा उत्पन्न हुआ जिसे कहा जाता है आर्द्रा। पसीना मतलब पानी ही हुआ। शिवजी तांडव कर रहे थे तो ये उत्पन्न हुआ। इस वजह से इस नक्षत्र की जो देवता है वो भी शिव रूप ही है। इस नक्षत्र की देवता है रुद्रदेव। इस नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु को शुभ माना नहीं जाता। इस वजह से आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए देखे जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों की भी जनन शांति करना आवश्यक है। ये आर्द्रा नक्षत्र पूर्ण रूप से मिथुन राशि में आता है। मिथुन राशि का स्वामी है बुध और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु। तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के ऊपर बुध और राहु ये दोनों का समान प्रभाव रहता है। बुध ग्रह इफेक्ट करता है पढ़ाई, अभ्यास, अध्ययन, जो भी ब्रेन की एक्टिविटीज है उन सब के ऊपर बुध ग्रह प्रभाव करता है। बुध और राहु का प्रभाव होने के वजह से ये भी देखा जाता है कि आर्द्रा नक्षत्र में जो लोग जन्मे हुए हैं उनको पढ़ाई, स्मरण शक्ति, अध्ययन करने में तकलीफ होती है। जन्म से इन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आर्द्रा नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है शीशम। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग चतुर होते हैं, हमेशा अलर्ट होते हैं। मंगल अगर स्ट्रांग हो तो थोड़े साहसी, उत्साही भी हो सकते हैं और यही है आर्द्रा नक्षत्र का चिन्ह। आर्द्रा नक्षत्र का चिन्ह है धनुष ताने खड़ा हुआ एक इंसान। जो अलर्ट है उसने धनुष भी ताना है और उसने बाण को भी वहां पे लगाया है, मतलब वो पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए या अपने काम के लिए। इस नक्षत्र के चिन्ह के वजह से बहुत लोग ऐसे भी मानते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए लोग गुस्से या आक्रामक होते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने इन लोगों को अलर्ट देखा है। अपने काम में वो ज्यादा तत्पर रहते हैं, लेकिन मैंने गुस्से या आक्रामक नहीं देखा। हो भी सकता है आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए लोग गुस्से या आक्रामक हो सकते हैं। तकरीबन 27 में से 20, 19 नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि जिनमें पैदा हुए लोग गुस्सेल या आक्रामक हैं, ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन गुस्से को, आक्रामकता को मैं कुछ अलग नजरिए से देखती हूँ, इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आर्द्रा नक्षत्र के लोग गुस्सेल होते हैं। मैं ऐसा कहूंगी कि वो कार्य तत्पर होते हैं, अलर्ट होते हैं। कौन से काम
कारोबार में, कौन से बिजनेस में, किस तरह के मार्ग से इन लोगों को उत्पन्न मिलता है। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आर्द्रा मतलब पानी होने की वजह से इन लोगों को पानी से जुड़े हुए कारोबार, व्यापार, पानी से जुड़े हुए कुछ काम, इनके जरिए ये लोग अच्छा इनकम पा सकते हैं। जन्म के समय अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो इन लोगों को हमेशा प्रकृति की, स्वास्थ्य की समस्याएं आती रहेंगी। अगर इनके कुंडली में बुध ग्रह बिगड़ा हुआ है या फिर बुध राहु युति है तो इनमें एस्थमा, स्किन डिजीज जैसे प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा नशा करना, नशे के अधीन होना ऐसे स्थिति में देखा जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो जीवन दुखमय होने में देर नहीं होती। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग तरक्की नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एक गलतफहमी है कि आर्द्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी, आपका जीवन, आपकी लाइफ क्रिटिकल ही होगी, ऐसे नहीं है। हाँ, नक्षत्र स्वामी राहु है ये तो ठीक है, लेकिन बाकी के ग्रह भी हमारी कुंडली में मौजूद है और सब ग्रहों के ऊपर भगवान है, तो अगर हम सही दिशा में जाएं तो हम भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन मैंने मेरे पिछले तकरीबन 18-19 सालों के मार्गदर्शन के वक्त में अध्ययन करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए ये देखा है कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि वो गलत वक्त पे, गलत जगह पे थे। इस वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। वो गलत नहीं थे, लेकिन जहां पे वो थे, जिन लोगों के साथ वो थे, जिस जगह पे वो थे, वहां पे जब कुछ एक्टिविटी, कुछ घटना हो रही थी तो गलत वक्त पे वो गलत जगह पे थे। ये गौर करने की बात है। तो अगर हम सावधान रहे तो जीवन में आने वाली परेशानी, कठिनाई हम टाल सकते हैं। फिर भी अगर वो आई है तो आगे बढ़े, ना डरे, अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। अगर ये कर सकेंगे तो यकीनन कोई भी राशि हो, कोई भी नक्षत्र हो, हम सक्सेस पा सकेंगे, हम खुद को सुधार सकेंगे। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के बारे में मेरा और भी एक अनुभव ऐसे है कि इन लोगों को कफ की, खांसी, सर्दी, जुकाम की परेशानी बार बार होती है। अगर उनके कुंडली में शुक्र और राहु युति है, शुक्र और मंगल युति है, शुक्र या बुध युति है, या फिर शुक्र ग्रह की स्थिति बिगड़ी हुई है, तो औरतों में मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर स्त्री और पुरुष दोनों में यूरिनरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगे। आर्द्रा नक्षत्र के ये कुछ तकलीफ देने वाले भाग हैं, लेकिन फिर भी आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कठिनाइयों का सामना करेंगे। ये बात तो सच है कि आपका बचपन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक स्थिति में जाएगा, या फिर बुखार होना, बीमार पड़ना बचपन में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप आगे चल के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के लोगों को मैं सलाह दूंगी के संसर्ग से फैलने वाली बीमारियों से बचे, एक बात, और दूसरी बात, गलत रास्ते पे ना जाए। नक्षत्र स्वामी राहु होने के वजह से आपका थोड़ा सा अटेंशन गलत कारोबार, नशा या गलत चीजों से मिलने वाला पैसा या फास्ट मनी जिसको बोलते हैं उसमें जाएगा, तो ऐसे गलत रास्तों पे न जाए, गलत जगहों पे न जाए, गलत संगत से बचे। भगवान शिव
आपकी नक्षत्र देवता है, तो आप भगवान शिव के शरण में जाएं। ओम साईराम।